Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. Today's English lecture is on the topic of drug addiction, unit number 10. We already have the introductory class and the translation of first three paragraphs we have already done. So students, please come to the page number 106, paragraph number 4. Okay, now let's start the translation. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. Bahali ke marakiz manshiyat ke aadi afraad ki bahali ke liye behtareen mukamat hain. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. In marakiz mein un logon ko mukammal tibbi muawnat aur rehnumai di jati hai. Drug abusers therefore must be taken to the proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. इसलिए नशे के आदि अफराद को मुनासिब और मुसद्दका बहाली मराकज में ज़रूर ले जाना चाहिए जहाँ उनको मुनासिब देखभाल और इलाज मैसर होता है. However, this requires a rapid identification of the problem of the drug addiction. ताहम इसके लिए नशे के आदि के मसले की फौरी शिनाख्त बेहद ज़रूरी है and cooperation of the victim with the team of these centers और मुसीबत जदों के इन मराकज की टीम के साथ मुकम्मल तावन की ज़रूरत होती है. Moving ahead, before starting the paragraph number 5, firstly we will look at the question that they have given in this paragraph. What treatment is available at the rehabilitation centers for the drug victims? यहाँ पर उन्होंने सवाल में ये पूछा है कि बहाली के मराकज़ में नशे के शिकार अफराद के लिए क्या इलाज मैसर है. इसका आंसर आपको यहीं इस पैराग्राफ में जो है इजीली मिल जाएगा. लाइक हेयर दे हैव सेड दैट कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट दे हैव गिवन इन दिस पैराग्राफ. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रैकेट द आंसर सो you can understand the answer. Once again, I'm going to repeat the answer. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. Now, we will start the paragraph number 5. Paragraph number 5. The other factors that contributes to the rehabilitations of the drug victim is proper counseling. नशे के आदि फर्द की बहाली में काम आने वाली दूसरी अहम मुनासिब मुशावरत ये है द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम. ये काम जिस कदर जल्द सर अंजाम दिया जाए मुतासरा फर्द के लिए उतना ही बेहतर है. द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहैबिलिटेटेड. नशे के आदि के दोबारा लौट आने के खतरात के पेश नज़र मरीज की सेहत याबी के लिए भी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ द रिलैप्स. यानी कि इसमें वो कह रहे हैं द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू. ये जो उनको बार बार जो मुशावरत दी जाती है इसका जो प्रोसीजर है जो प्रोसेस है वो जारी रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें उनको खदशा होता है कि दोबारा जो है वो इनकी तरफ जो है माइल हो सकते हैं. नेक्स्ट दे आर सेइंग डॉक्टर्स फैमिली एंड फ्रेंड मस्ट कंटिन्यू द क्रिटिकली वॉच एंड द काउंसल द विक्टिम फॉर द बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट. कहते हैं कि डॉक्टर हजरात अफराद खाना और दूसरों को चाहिए कि बेहतर तरगीब और हम आंगी पैदा करने के लिए मुतासरा फर्द पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि मुशावरत का अमल जारी रह सके. ओके स्टूडेंट्स, दीज टू पैराग्राफ्स आर टुडेज वर्क. यही दो पैराग्राफ जो हैं आप इनकी दोनों पैराग्राफ की ट्रांसलेशन लर्न करेंगे. एक और क्वेश्चन है जो पैराग्राफ नंबर 5 में दिया गया है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग. आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस टर्म का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे और साथ में आप पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की ट्रांसलेशन भी लर्न करेंगे. एंड ओके देन अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट लेक्चर.